आवास योजना में बिचौलियों का दाल नहीं गलने देंगे, चंद्रभूषण कुशवाहा। कुजा पंचायत के मुखिया चंद्रभूषण कुशवाहा ने कहा कि आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों को घर घर जाकर आवास योजना के नाम पर किसी को एक रुपए भी नहीं देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी आपसे एक रुपए भी खर्च के नाम पर पैसा मांगता है तो इसकी सूचना हमें दे। साथ ही जिन लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान हो गया है उनके घर जाकर आवास निर्माण का मुआयना भी कर रहे हैं। साथ ही बताया कि मनरेगा के तहत पैन नहर का खुदाई भी चालू है जो लिब्रों के द्वारा खुदवाई जा रही है। आवास योजना में बिचौलियों का दाल नहीं गलने देंगे, चंद्रभूषण कुशवाहा। और किस तरीके से किया जा रहा है मनरेगा? खुजा पंचायत में लगभग 5-6 योजना चल रहा है और आगे भी मनरेगा के तहत कुछ योजनाएं खुलने वाली है। कहाँ कहाँ काम चालू है सर? काम ग्राम इंग्लिश में आहार की सफाई हो रहा है और ग्राम नियाजीपुर में आहार की सफाई हो रहा है। ये जो काम हो रहा है सर, जेसीबी से हो रहा है या फिर? आवास योजना पे सर, ये चुनाव के पहले पूर्व मुखिया के काल में सभी लाभार्थी चयनित हुए थे। जब हम चुनाव हो गया तो लाभार्थियों की सूची देखी है, लगभग हमारे पंचायत में 500 से अधिक 600 के लगभग जो है लाभार्थी हैं और सारे लोगों का सूची जितना लोगों का था वो सारे लोगों को चयनित हो चुका है और करीब करीब 40% लोगों को राशि भी फर्स्ट किस्त आ चुकी है। और जिन जिन लोगों को राशि आया है मैं उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, ले रहा हूँ और उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो राशि प्राप्त कर चुके हैं प्रथम किस्त का, जो सरकार का सर्कुलर और निर्देश है उसके अनुकूल काम किया। बिचौलियों के द्वारा राशि निकासी में सर गड़बड़ की बात आ रही है कि पैसे डिमांड हो रही है कहीं ना कहीं? और जगहों से तो हम सुना है कि बिचौलियों के माध्यम से राशि लिया जा रहा है, लेकिन मैंने सारे वार्ड सदस्यों को और जहां जहां जिस गांव में हम जा रहे हैं, जिन लाभार्थियों से के बीच हम जा रहे हैं, जिस लाभार्थियों से हमारी मुलाकात हो रही है, खुलेआम हमने कहा है कि कोई भी व्यक्ति को एक रुपया इंदिरा आवास में, चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे पब्लिक हो या तो वार्ड सदस्यों, किसी आदमी को एक रुपया जो है इंदिरा आवास के लाभार्थी नहीं दें। अगर कोई मांगता है तो उसके बारे में हमको सूचना दे, हम प्रयास करेंगे कि आगे का एजेंडा क्या है सर? मेरा एजेंडा है 2022-23 की राशि जो आना है विकास के लिए पंचायत का, वो अभी एकाध किस्त आया है, शुरुआत हुआ है, थोड़ी सी राशि आया है। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जो राशि पूर्व का है 21-22 का जो राशि पंचायत में बचा हुआ था है वो राशि से काम किया जाए, लेकिन अभी पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व का जो राशि है 21-22 का राशि जो उपलब्ध पंचायत में भी है उसको 22-23 में खर्च करने का भी निर्देश नहीं दिया गया, जबकि हम मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से, वरीय पदाधिकारी से कि जब 1 अप्रैल के बाद ईस्वी बदल जाता है, साल बदल जाता है, तो पुराने पैसे को नए साल में 22-23 में
21 22 का ये राशि को 22 23 में निर्देश पंचायत को देना चाहिए कि राशि को खर्च कर सकते हैं तो विकास की गति तेज होता और विकास इसलिए विकास का कार्य में बाधा हो रहा है कि 21 22 की राशि को खर्च करने नहीं किया जा रहा है। पूर्व में भी बहुत सारी योजना को गड़बड़ी किया गया है सर, उसको लेकर के किस प्रकार से इस बार आप करेंगे? जैसे बाढ़ के द्वारा बहुत सारा फंड आया हुआ को काम नहीं किया गया, अधूरा काम किया गया है। जो योजनाएं थी चाहे मुखिया जी के द्वारा किया गया हो चाहे वो बाढ़ के द्वारा किया जा रहा हो और अगर अधूरा है तो हम योजना को देखेंगे और देख रहे हैं कहां कहां योजना पूर्व में लिया गया है जो अधूरा है या लिया गया है लेकिन शुरू नहीं हुआ। अगर वैसा योजना हम समझते हैं कि जनहित में होगा तो मेरे द्वारा होगा। अधूरा अगर होगा उसमें राशि कितना ली गई है, अगर काम से ज्यादा राशि ले लिया गया है और उनकी मापी पुस्तिका नहीं की गई है उसमें भी हम देखेंगे कि अगर आगे काम किया जा सकता है तो उसको हम पूरा करेंगे जनहित में। आप एक किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं सर, किसानों के लिए इस बार बहुत सारा नुकसान हो रहा है अगलगी को लेकर के भी, किस तरह से लोगों को मदद करेंगे आप? किसानों को तो हमारे सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष